सर्वपरम सर्वप्रथम हमारे इस मंडल के अध्यक्ष जो विशुद्धि के भी अध्यक्ष थे श्री विनय भोक्ता जी को श्रद्धांजलि देता हूँ, जिनकी हत्या हो गई थी। इसके साथ साथ हमारी सरकार बनने के बाद ये राज्य उग्रवाद से ग्रसित और उस उग्रवाद को समाप्त करने में हमारे झारखंड के जवानों ने जान की बाजी लगाकर भी इस राज्य की जनता को अमन चैन मिले लगातार प्रयास कर रहे हैं। और वैसी प्रयास करने में कल लतेहार में एक एएसआई हाजदा सहित हमारे तीन अन्य जवान शहीद हुए, वीरगति को प्राप्त हुए। तो भगवान से प्रार्थना उसकी आत्मा को शांति मिले, उसके परिवार को इतनी शक्ति मिले कि इस दुख को सहन सह सके। हमारी पुलिस के जवान, हमारी सरकार उग्रवाद मुक्त झारखंड के लिए प्रतिबद्ध है। एक कायरपूर्ण हरता कायरता की हरकत से हमारे पुलिस के जवान हौसले और मजबूत होंगे और इस राज्य में कानून का शासन अमन चैन बनी रहे इसके प्रति हम प्रतिबद्ध हैं। आने वाले समय में ये राज निश्चित रूप से उग्रवाद मुक्त झारखंड बनेगा।